मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स साइंस का आज हमने चैप्टर नंबर फिफ्थ शुरू करना है। नेम है चैप्टर का सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस किसको बोलते हैं? अगर हम बात करें सिर्फ एक सब्सटेंस की तो सब्सटेंस बोलते हैं पदार्थ को। और यहाँ पे क्या सब्सटेंसेस तो मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम पदार्थों, ठीक है। और सेपरेशन बोलते हैं अलग करना या फिर अलग करना भी बोल सकते हैं। जो सेपरेशन है वो सेपरेट वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। तो अब जो नेम क्या है हमारे चैप्टर का, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस मतलब पदार्थों का पृथक्करण। जो सब्सटेंस होता है ना, बात हम इसके अंदर सब्सटेंस का ही करेंगे। जैसे हमारे सब्सटेंसेस होते हैं मतलब हमारे आसपास जितने भी तरह के पदार्थ होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में और हम उनको किस तरह से उनकी प्रॉपर्टी यानी उनके गुण के आधार पर कैसे उनको हम अलग अलग कर सकते हैं वो हमें चैप्टर के अंदर रीड आउट करेंगे, ठीक है। हम किसकी बात करें? सब्सटेंस की। कोई भी सब्सटेंस होता है दो टाइप का हो सकता है। जब हम बात करें ना सब्सटेंस की तो कितने टाइप का होगा वो? या तो वो होगा प्योर सब्सटेंस या फिर वो क्या होगा इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? शुद्ध सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ जो शुद्ध होता है। और इम्प्योर होते हैं अशुद्ध, जो अशुद्ध है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी पदार्थ है वो शुद्ध है या अशुद्ध है? तो किसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं पहले। जैसे एक प्योर सब्सटेंस है डेफिनेट, डेफिनेट होते हैं निश्चित को, ठीक है। कंपोजिशन, कंपोजिशन क्या बोलते हैं? उसकी संरचना को बोलते हैं या फिर उसकी जो रचना होती है ना उस तरह से, या फिर उसकी एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? उनके जो गुण होते हैं। कि हम कोई भी सब्सटेंस लेके चल रहे हैं ना, कोई भी पदार्थ लेके चल रहे हैं अपनी तरफ से, उनकी जो रचना होती है उनके जो गुणधर्म होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, एक जैसे होते हैं। एग्जांपल जैसे लेके चले हम, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं राइस का। राइस क्या होता है? चावल। जब हम बात करें चावल, हमने कुछ चावल जैसे अपने हाथ के अंदर लिए हैं तो चावल की जो कंपोजिशन है मतलब उनकी जो संरचना बनी हुई ना, उनकी स्ट्रक्चर बनी हुई है, वो सारे जितने भी तरह के राइस है वो सब एक जैसे होंगे। तो उनकी जो संरचना है वो क्या होगी? एक जैसी होगी। और उनकी प्रॉपर्टीज़ ये तो नहीं है कि जो हम अगर बात करें चावल की तो कुछ चावलों का जो टेस्ट है वो अलग आएगा और कुछ चावल का टेस्ट अलग होगा, ऐसा तो नहीं होता। उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है सभी की वो सेम होती है। तो उस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी सब्सटेंस में, जहाँ पे उनकी स्ट्रक्चर एक जैसी होती है, जहाँ पे उनके गुणधर्म एक जैसे होते हैं, इस तरह के सब्सटेंस को या फिर इस तरह के पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? एक प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया प्योर सब्सटेंस के बारे में। जब हम प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, अब सेकंड क्या बच गया? इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर क्या है? ये तो था शुद्ध, और इम्प्योर क्या होता है? अशुद्ध। ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। मतलब यहाँ पे अगर प्योर की जगह पे मैं क्या लिखूँ? एक इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस है इनडेफिनेट। डेफिनेट की जगह पे क्या आ जाएगा? इनडेफिनेट यानी अनिश्चित। कंपोजिशन सेम है एंड प्रॉपर्टीज भी सेम है। प्रॉपर्टीज यानी कोई भी सब्सटेंस जब हम लेके चल रहे हैं, कोई भी पदार्थ जब हम लेके चलेंगे उसके अंदर उनकी जो संरचना होगी वो अलग होगी, उनके गुणधर्म होंगे वो अलग होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे अब फिर से वही सेम एग्जांपल है, राइस का ही एग्जांपल है। और इस राइस के अंदर ऐड है कुछ स्टोन। स्टोन्स किसको बोलते हैं? पत्थर को बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम बात करें राइस की और स्टोन की, तो जो प्रॉपर्टीज चावलों के अंदर है वो प्रॉपर्टीज इन पत्थरों के अंदर तो नहीं होगी ना। ना ही तो पत्थर की जो आकृति होगी वो चावल की जैसी हो सकती है। और अगर वो भी जाए कभी उनकी आकृति यानी कंपोजिशन के जैसा वो भी जाए, तो ये जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है ना, जो उनकी गुणधर्म है, वो कभी भी चावल के जैसा नहीं होगा, ठीक है। तो हम जब दो सब्सटेंस लेके चले ना, इस तरह की राइस और स्टोन जैसे ले लिया, तो उनके जो गुणधर्म है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होगी? अलग अलग होगी। और इस तरह का जो सब्सटेंस है उनको हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। समझ आ गया? पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस दो तरह का हो सकता है, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो डेफिनेट होती है। और जब बात करें इम्प्योर की, तो उनकी जो प्रॉपर्टी और कंपोजिशन होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं या फिर इनडेफिनेट होती है। अब वो बात करें ना उनकी कि अलग अलग प्रॉपर्टीज है और अलग अलग कंपोजिशन है, तो इसीलिए हमें उनको अलग करने की जरूरत पड़ती है। यानी उनको जैसे यही एग्जाम्पल है कि हमारे पास अगर राइस और स्टोन है ना, तो हमें उनको अलग अलग, अगर हमें इनको डेली लाइफ के अंदर यूज़ करना है ना, तो इसके लिए हमें इन दोनों को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, ठीक है। तो इसी के ऊपर है हमारा चैप्टर। जैसे नेक्स्ट लाइन में क्या
जैसे ये है ना एग्जांपल कि यहाँ पे राइस भी है, ये एग्जांपल है इसको, जैसे कि राइस भी है इसके अंदर, कुछ स्टोन्स भी हैं, ठीक है, और भी कुछ है, जैसे अब इसके अंदर क्या है, राइस के साथ कुछ वीट वो हो गया है, वीट की क्वान्टिटी, इस तरह से ये ना एक मिक्सचर बन जाता है अलग अलग। मिक्सचर किसको बोलते हैं, मिश्रण को बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलता है कि डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज, इन सब की प्रॉपर्टीज, सभी की गुणधर्म अलग अलग है ना, चावल की प्रॉपर्टीज अलग है, स्टोन्स की अलग है, वीट की प्रॉपर्टी अलग है, सभी की प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो क्या बोलते हैं कि इसके अंदर प्रॉपर्टी इनकी अलग है, किसी भी सब्सटेंस की यूज टू सेपरेट, सेपरेट अलग करते हैं, और कंपोनेंट बोलते हैं कि घटक को, कंपोनेंट होता है घटक, कि उस मिक्सचर के जो घटक हैं हमें उनको अलग अलग करना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और क्या बता रखें कि और सेपरेशन क्यों जरूरी है, सेपरेशन इज डन टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल। सेपरेशन हमें क्यों जरूरी होती है, ताकि हम अलग कर सकें, सेपरेट होता है अलग करना। हार्मफुल किसको बोलते हैं, जो हमारे लिए क्या हो, नुकसानदायक हो। नॉन यूजफुल जो हमारे लिए अनुपयोगी हो, जो हमारे लिए क्या उपयोगी नहीं है, ठीक है, अनुपयोगी है जो हमारे लिए। एंड अनवांटेड, अनवांटेड कौन से होते हैं, जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। जैसे अगर हम राइस और स्टोन की बात करें, तो अगर हम राइस बना रहे हैं अपने घरों के अंदर, तो जरूरी नहीं है ना कि हम उसके साथ साथ स्टोन भी पका देंगे। तो स्टोन क्या है, हमारे लिए अनवांटेड है, ठीक है। तो अनवांटेड कंपोनेंट, कंपोनेंट से वही जो घटक होते हैं। एंड गेट ए प्योर सब्सटेंस, तो अगर हम इस तरह से हमारे पास एक सब्सटेंस है, जैसे वही सब्सटेंस है राइस है, स्टोन है और बीटा, तीनों का एक मिक्सचर है हमारे पास, तीनों का एक मिश्रण है, हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया उनमें से जो हमारे लिए नॉन यूजफुल है, अनयूजफुल हो गए जो हमारे लिए, जो हमारे लिए क्या है, अनवांटेड है, उन कंपोनेंट को हमने अलग कर लिया, और इससे हमें क्या मिल जाएगा, एक प्योर सब्सटेंस मिल जाएगा। प्योर सब्सटेंस मतलब एक शुद्ध पदार्थ वो मिल जाएगा। और प्योर सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टीज थी, कि उनके अंदर जो कंपोजिशन होता है और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सभी की क्या होती है, अलग अलग होती है। अगे नेक्स्ट है, ये हो गई ना, फिर सेपरेशन इज डन, अब हम अलग अलग कर रहे हैं उसको, सेपरेट कर रहे हैं हम सब्सटेंसेस को, सेपरेशन इज डन ऑन द बेसिस को, जो हमारा सेपरेशन होता है, जो हमारा पृथक्करण होता है, वो हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह से कर सकते हैं, अलग अलग आधार पे होता है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज किसको बोलते हैं, आकार को। ये जो आकार होता है ना, जो हमारे सब्सटेंस है उनके अंदर अलग अलग आकार के आधार पर हम अलग कर सकते हैं, किनका आकार, वो पार्टिकल्स जो हम सब्सटेंस लेके चल रहे हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना, जैसे हमने चावल लिए और जो उसके जो एक एक चावल का अगर हम उठा के देखें ना पीस, तो उसको हम पार्टिकल बोलेंगे उसका, तो वो साइज है ना, तो उसके बेस के ऊपर हम सेपरेशन कर सकते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, कि हमारे पास कोई भी मैटर है, उनके मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, तीन स्टेट होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। उसके आधार पर हम अलग अलग कर सकते हैं सब्सटेंस को, और किसके आधार पर कर सकते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस, कि हमारे पास कोई भी पदार्थ है उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी, अलग अलग होगी, उनकी गुणधर्म के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ तक फिर से रिपीट कर देती हूँ, हम बात करेंगे इसके अंदर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस की बात करेंगे सबसे पहले। जो सब्सटेंस होता है दो तरह से हो सकता है, या तो होगा प्योर या फिर होगा इम्प्योर। प्योर कौन सा होता है, शुद्ध। जब हम बात करेंगे शुद्ध सब्सटेंस की, जो प्योर सब्सटेंस है उसके अंदर जो कंपोजिशन होगी, मतलब उनकी संरचना होगी, वो हमेशा डेफिनेट रहेगी, उनकी प्रॉपर्टीज हमेशा डेफिनेट रहेगी, वो सेम रहेगी। और जब बात करें इम्प्योर की, तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा उसका, कि जो संरचना है वो भी अलग हो जाएगी और उनके जो गुणधर्म है वो भी अलग हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके सब्सटेंस को हमें अलग अलग करने की जरूरत होती है। फिर इसमें क्या बताया कि डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, मतलब हमारे पास एक मिक्सचर है, हम उनकी उनके गुणधर्म के आधार पर हम उनको क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, ठीक है। सेपरेशन इज डन टू सेपरेट द हार्मफुल, हम जो सेपरेशन कर रहे हैं, जो पृथक्करण कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं, ताकि हम अलग कर सकें हार्मफुल, नुकसानदायक, नॉन यूजफुल, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, और अनवांटेड, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उन कंपोनेंट्स को हम अलग कर सकें टू गेट अ प्योर सब्सटेंस, और एक शुद्ध पदार्थ है वो प्राप्त कर सकें, ठीक है।
सेपरेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, और जो सेपरेशन होता है वो किस किस बेस पे करते हैं, किस आधार पे करते हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज उनके आकार के आधार पर कर सकते हैं, उनके स्टेट्स ऑफ मैटर के आधार पर कर सकते हैं, या फिर उनके जो अलग अलग गुणधर्म हैं उनके आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा है सेपरेशन के बारे में हमें पढ़ लिया, हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि जो सब्सटेंस है वो क्या होता है और उनको सेपरेट हम क्यों, हमें क्यों भी सब्सटेंस उसको सेपरेट करने की जरूरत होती है। इसके अंदर इतना ही है, आगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि उस कोई भी पदार्थ है कोई भी सब्सटेंस लेके चल रहे हैं उनके अलग अलग मेथड क्या होते हैं, वो मेथड हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।